हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस माधुरी निमा फ्रॉम न्यू कैथलिक मिशन स्कूल झाबुआ। आई एम टीचिंग यू क्लास 4 मैथ्स। सो टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, सो इन आर प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू टू लर्न मल्टीप्लीकेशन टेबल अप टू 2 to 15। ऑल ऑफ यू लर्न चिल्ड्रन मल्टीप्लीकेशन टेबल 2 to 15? ओके, यस। If you learn, then good. If you don't learn, then need to learn multiplication table. If you don't learn multiplication table, so you can't solve any multiplication problem. So my humble request you to please learn multiplication table up to 2 to 15. Now, let's see chapter 3, multiplication of number. So multiplication of numbers. So in this chapter what we will learn, so today we will learn about multiplication, and second properties of multiplication, and third multiplication by 10, 100, and 1000. Okay, now multiplication, you know what multiplication, मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? सो द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन इज द सो मल्टीप्लीकेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ रिपीटेड एडिशन। You know what means repeated addition? Repeated addition means 25, 25. Okay, 25, 25 means plus is equal to 50. Okay, so if you multiply 25 by 2, so 25 by 2 is what number? 50. It means what means to multiplication? Multiplication means repeated addition. You know when you go, when your father give you 100 rupees. Okay, so you want to some chocolate from market, so you think how if you have sufficient or not money, 100 rupees for buy chocolate. You want to buy chocolate, 4 chocolates. Okay, so 1 chocolate cost is rupees 20. Okay, so you want 4 chocolate, so we will multiply by 20 multiplied by 4 is equal to 80. So how many 4 chocolate cost? Rupees 80. And how many rupees you have left? 100 minus 80 is equal to 20. So that's why need to multiplication. And the result of multiplication is called a product. ओके, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट। सो दिस इज यार 18 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 216. सो 18 इज मल्टीप्लायर एंड 12 इज मल्टीप्लिकेंट एंड 216 इज प्रोडक्ट. ओके, सो इफ मल्टीप्लिकेंट अदर नेम इज फैक्टर. ओके, सो हियर 18 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 216. सो व्हाट 18? 18 इज मल्टीप्लायर एंड 12 इज मल्टीप्लिकेंट एंड 216 इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स आंसर या रिजल्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन वॉट? मतलब यू नो प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति. ऐसे मैथ्स में भी क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती है. क्या प्रॉपर्टीज होती है? सो जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. ओके, सो हियर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम. ओके, आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा. द प्रोडक्ट रिमेन द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई इज चेंज. ओके, ऑर्डर ऑफ द नंबर मल्टीप्लाई चेंज मीन्स वॉट? एग्जाम्पल हियर 9 मल्टीप्लाई बाय 12. अब आपने देखा है 9 मल्टीप्लाई बाय 12 व्हाट आंसर? 108. एंड नाउ ऑर्डर चेंज हियर. ओके, पहले 9 पहले था, अब 9 को क्या रखा है? बाद में रखा, तो ऑर्डर चेंज. ये यहाँ इधर बैठा, पहले 1 नंबर पे 9, अब यहाँ 2nd नंबर पे 9, तो ऑर्डर चेंज. तो व्हेन ऑर्डर चेंज, अगर आपको देखा है यहाँ पे द प्रोडक्ट रिमेन द सेम. प्रोडक्ट मतलब आंसर सेम रहेगा. Even if the order of the number multiplied is changed,
ये जो मल्टीप्लाई इन दोनों का अगर चेंज ऑर्डर चेंज हुआ है तो भी आंसर क्या आना है सेम. सो सी हियर 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 108 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 108. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1. क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1? द प्रोडक्ट रिमेन द सेम इफ द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लाइड इज चेंज. ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज द नंबर इटसेल्फ. यू नो व्हाट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1, मतलब किसी भी नंबर का वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज द नंबर इटसेल्फ. यू नो व्हाट इज व्हाट मीन्स इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब वो का वो ही आंसर आना है. ओके, सो हियर एग्जांपल, हियर 19 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आंसर व्हाट 19. सो यू अंडरस्टूड अबाउट सेकेंड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिमेन सेम इफ द नंबर विद द मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, नाउ प्रॉपर्टी 3, हियर द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0. इट मीन्स अगर आपने किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करा तो उसका आंसर क्या आना है 0. ओके, सो हियर एग्जाम्पल 34 नंबर और ये 0, 34 मल्टीप्लाई बाय 0, इट मीन्स व्हाट आंसर 0. सो नो अबाउट हियर 0, थर्ड नंबर थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ नंबर 4th, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, मतलब आपका आंसर वो का वो ही रहना है. द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन वेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज. ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज चेंज मीन्स उनका प्लेस बदल देना है. ठीक है, सो हियर 5 एग्जाम्पल, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, हियर 3, 5, 2, 6, 3 नंबर. आपने देखा यहाँ 5 और 2 दोनों पास में है और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, 5 2s are 10 एंड 10 6s are इज इक्वल टू 60. सो नाउ हियर सेकेंड, आपने ग्रुपिंग चेंज किया है. पहले 5 का ग्रुप कौन था? 5 और 2 का ग्रुप था. अब 5 को बाहर कर दिया है आउटसाइड और इंटरनल ग्रुप में 2 और 6 है. सो 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 एंड 12 5 इज इक्वल टू 60. सो यू सी दिस प्रॉपर्टी अबाउट, यू अंडरस्टूड अबाउट दिस प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट रिमेन द सेम व्हेन द ग्रुपिंग नंबर विल बी चेंज. अगर ग्रुपिंग नंबर चेंज होगा तो भी क्या होना है, प्रोडक्ट सेम रहना. सो अंडरस्टूड अबाउट ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी. सो नाउ व्हाट प्रॉपर्टी फर्स्ट, इफ ए नंबर विल बी ऑर्डर चेंज देन ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर चेंज. नंबर का ऑर्डर चेंज करा, प्रोडक्ट सेम रहेगा. इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1 देन नंबर सेम. अगर किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आना है, प्रोडक्ट सेम आना है. और द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर 0, किसी भी नंबर का आपने 0 से मल्टीप्लाई करा आंसर 0 आना है. अगर मान ले 35 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0. इफ यू मल्टीप्लाई 35 बाय 1 देन आंसर इज 1. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 112, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 108 एंड हियर ग्रुपिंग, इफ यू ग्रुपिंग चेंज सो नो आंसर विल बी चेंज, आंसर इज सेम. ओके, नाउ नेक्स्ट, सो हियर एक्सरसाइज 3.1. सो हियर यू सी हियर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यू विल बी सॉल्व दिस मल्टीप्लीकेशन. यू नो डोंट नीड टू उसको नीचे बड़ा करके करना, यू फिल दिस फिल इन द ब्लैंक्स इन शॉर्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज. ओके, सो हियर 6543 मल्टीप्लाई बाय 0. सो विच प्रॉपर्टी वी विल यूज हियर, वी विल यूज हियर प्रॉपर्टी ऑफ 0. सो यू नो अबाउट 0 प्रॉपर्टी, व्हेन वी नंबर एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 सो आंसर इज 0. सो दिस हियर 6543 मल्टीप्लाई बाय 0 इज आंसर इज इक्वल टू
0. Now second here, 65 multiply 34 and 34 multiply by what? So this is your order of number change. Okay, so your order of number change here, dekho, 65 multiply by 34 equal to, kiske equal to hai? Kya number aapko fill karna hai yahan pe aap karenge 65. So here both answer same. Now here third, here we will use here property of 0. 7890 multiply by 0, what answer here? 0. Then now here order of grouping change. Here आपने देखा है यहाँ पे 325, 250, 565 here. So here two number 565 and 3, yes this is printing mistake. So the 565, 321. So what number you will be fill here? 250. Okay, according to property of property you will be solve this question. Now here 135 multiply 134 multiply by 0 is equal to what answer? 0. Now this here we will use here property of any number multiply by with 1. अगर आपने यहाँ पे 1 वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट रिमेन सेम, सेम नंबर, जो बड़ा नंबर है वो का वही उसका आंसर रहेगा. सो 879 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू व्हाट? 879. अब आपको यहाँ पे दिया नहीं है, सो 879 की टेबल में या डिवाइड करेंगे व्हाट आंसर, हाउ मेनी टाइम डिवाइड? 1 टाइम. तो दिस वाई दैट्स वाई वी विल फिल हियर 1. Now here 23 multiply 15 multiply 56. So here which number we will fill here? 15 here, 56 here, 23 here, 15 remain. So then we will fill here 15. Okay, now here 300 multiply by 222. So here which number we will fill? We will fill here 3. 220 already given here. So we will fill here 300. And now here 1 multiply which number? Answer remains same. Yeah, we will use property of 1. When we multiply any number with 1, so product remain same. तो आप किसी भी नंबर का प्रोडक्ट रिमेन सेम मतलब आंसर वो का वही है, तो यही नंबर आपको इधर फिल करना है. सो अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्सरसाइज 3.1. नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ईयर मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 एंड 1000. अब आपको मल्टीप्लीकेशन बताना है 10 से कैसे करना है, 100 से कैसे करना है और 1000 से. वी कैन सॉल्व दिस मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000 डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. ओके, सो हियर नंबर 1, टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 10. अगर किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10, सो राइट ए जीरो टू द राइट ऑफ द नंबर, राइट ए जीरो. यू नो 10 में कितना जीरो हो रहा है? 10. सो राइट ए जीरो ऑफ द राइट साइड ऑफ ए नंबर. सो हियर लेट्स एग्जांपल सी हियर. सिमिलरली व्हेन यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 100, अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करा है, सो यू सी हियर हाउ मेनी जीरो विथ 100? 100 हैव 2 0. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर आफ्टर राइट साइड, राइट साइड वी विल राइट 2 0. देन वी मल्टीप्लाई बाय 1000 हियर, सो हियर मल्टीप्लाई बाय हियर 100. ओके, सो हियर इफ यू मल्टीप्लाई बाय 10, सो एनी नंबर यू टेक हियर, इफ यू मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाय 10, सो व्हाट्स आंसर यू विल बी राइट? यू विल राइट हियर 35 वंस आर 35 एंड 0, सो व्हाट आंसर? 3350. नाउ हियर 32 मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मेनी जीरो विथ 100? 2 0. सो 32 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3200. इट मीन्स आपको कितना बताना है? अगर दो रूट दो जीरो है तो 2 0 राइट साइड लिख दो, और उसके बाद आपको क्या करना है? 32 वंस आर 32. अगर आपको राइट लेफ्ट का समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट यू मल्टीप्लाई बाय ओनली 1, 32 वंस आर 32, सो राइट 32, एंड आफ्टर हाउ मेनी जीरो हियर?
So here 20. So after that we will write here 20. So this way you can solve 10 problem, 20 problem, and now 30. According to 30 problem. Okay. So what's example here? 30 problem. If you multiply by 32 multiply by here 1000. So 32 ones are 32. And in 1000 how many zero? In 1000 30. So we will after that write 30. So 32 multiply by 1000 equal to 32,000. So understood about property of 10 or 100 and 1000. And this way you can solve so many zeros. Okay. Agar zero hai, to zero ki problem aap this is tarike se aap solve karoge. Next. Now multiply a number by 30, 300 and 3000. So here first multiply the given number by 3. आपको कुछ नहीं करना है, जीरो की तरफ देखना नहीं है, उसको बाद में देखेंगे. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 एंड एट द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जीरोस. जितने जीरो बचे हैं उस जीरो को बाद में लगाना है. सो एग्जांपल हियर 34 मल्टीप्लाई बाय 30. सो हियर ओनली फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर. No need to see here zero. So first we will multiply here 34 multiply by 3. 3 4s are 12, 2 carry over 1. And 3 3s are 9 and 1 is equal to 10. So 102. And after how many zero remain? Yeah, ek zero hai. Last mein aap ek zero laga do. Agar aapko karna hai 34 multiply by 300. Do zero hai. So first you will multiply only 3. When we multiply 34 multiply by 3 is equal to 102. Then after how many zero? Here 20. So after that we will write here 20. And now here 30, 34 multiply by 3000. So first we will multiply by only 34 multiply by 3. So answer is 102. Then after that here 30 remain 1, 2 and 3. After that we will write here 1, 2 and 30. So this way we can solve multiply by 30, 300 and 3000 and so many other numbers. Now children, I am explaining about this exercise on the blackboard. Okay, so here fill in the blanks. Question 1, 6543 multiply by 0. Okay, so about according to zero property. You know about zero property? What? When we multiply any number, कोई भी number, कैसा भी number, any number with zero, answer is equal to zero. Okay, understood everyone? ठीक है? If you multiply other 7530 multiply by zero, then what answer you will be fill here? Zero. Okay, if you multiply 90 multiply by zero, then what answer you will write here? Zero. 75 multiply by zero, that one, what answer you will write here? Zero. So understood about zero? Now second, here 65 multiply 34 and 34 multiply by fill in the blank. So which number you fill here? According to grouping property. Okay, so I explain about now what property here. If the product remains same, if we order of the multiplier number change. So here 65 and 34. So 34 here already given. Which number we will fill here? 65. Okay, so here no change. Okay, answer will be same. आंसर क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा. चाहे आपने देखा यहाँ पे 34 बाद में था, 65 पहले था, तो अपन ने क्या यहाँ 34 पहले है, तो बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे 65. दो बोथ प्रोडक्ट रिमेन सेम. सो दिस वे यू कैन सॉल्व अदर्स नंबर 275 मल्टीप्लाई 34 इक्वल टू हियर 34 मल्टीप्लाई व्हाट नंबर यू फिल हियर. So we will fill here
275. And other number also you can fill here. 35 multiply 26 multiply 33 is equal to 33 multiply 26 multiply which number? Which number you fill here? So here 33 already given, 26 already given. Which number? Only 35 remain. So here we will fill here 35. So this way we can solve the zero and group order of grouping if we change, but product will remain same. Now here we fill in the blanks here. Which number multiply by 1? Answer will 475. So आपको बताया मैंने property of 1. When any number कुछ आपको पता नहीं है, any number with multiply by 1. अगर आपने किसी भी number को 1 से multiply करेंगे तो आपका answer same आना है. It means इसका मतलब क्या हुआ आपको कि ये का ये number यहाँ पे आपको fill करना है. So 475 once of 475. Understood everyone? So देखो यहाँ पे 475 once of 475. So you this way you can solve other questions. If you solve here 275 multiply by 1, so then here which number you will write here? 275 once are 275. Okay. 1875 multiply by 1 is equal to what? So it is equal to 1875 once are is equal to 1875. So this way you can solve other problem. Understood? Here if you write here 2615 multiply you don't know, and here answer is equal to 2615. So which number you will fill here? कब आपको आंसर क्या भरना है? So here when we are on, when which time answer remains same? When we multiply any number by 1, answer is same, product will remain same. So here which number we fill? Here fill 1. 2615 once are 2615. Okay, so now here next, here 3 multiply 400. So 3 multiply 400. So according to I already explained on the in our PPT, if you want to multiply with 0, so no need to see here 0. Only you will multiply by both number. So first we will multiply here 3 multiply by 4. So 3, 4 are 12. So we'll write here 12. Then after 4, how many 0 here? After 4, 20. So we will write here 20. Okay. Then here, this way you can solve other problem. So here, 13 multiply 500. So how do you solve this problem? No need to see here 0, only multiply by 13 and 5. Number multiply. 13, 5 are 65. So first we will write here 65, and after that, after number, how many 0 remain here? 2. So at last we will write here 20. If you multiply here 313, multiply here 6000. Okay, so you can fill here direct. Need to don't see here 0, only multiply 313 and 6. 6 threes are 18. 188, and will answer start from right side. Aapko answer right side se likhna hi shuru karna hai. 3, 6, 3 are 18. 18 add carry over 1. Okay, now here 6 ones are 6 and 1 is equal to 7. Now here 7. Now 6
6 3 18. So no carry over here. So 18 write as it is. And after that, after 6, how many zero? Of after 6 here 3 0. So after that we will write here 3 0. So this way you can solve these so many numbers, so many zeros and so many numbers. You can solve directly this type of problem. Now next, so here which number fill here? 181 ones are 81, and after that 3 0 1 0 2 0 3 0. So we'll write here 3 0. Now next here 75, which number multiplied is equal to 750. So you know 75 multiply by 75 how many time? One time. 75 ones are 75. So we'll write here 1, and how many zero remain here? 0. So 75 tens are 750. या आपको ऐसे देख सकते हो 75 ones are 75. कितने जीरो रहे 1 के बाद? 1 0. सो यू विल राइट हियर 1 0. सो इफ यू डोंट नो, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आए क्या नंबर भरना है, तो यू विल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लायर, इन दोनों का आपको क्या करना है? डिवाइड करना. कैसे करना है? 750 डिवाइडेड बाय 75. ठीक है, आपको बीच में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है. ओके, सो 75 ones are 75. Now 5 minus 5 is equal to 0, and 7 minus 7 is equal to 0. Then brought down here what? क्या नंबर बचा है? 0. Okay, so here 75, 0 is not divided by 75. So how many time? 0 time. 75 zeros are 0. So you will solve this type also. अगर आपको this ऐसा करना है आप ऐसा कर सकते हो, और according to zero property you can solve this problem two ways. Okay, so here again this number 35. So here 35 and 35,000. So here multiplicand and factor is not. So how can we fill here? So here after 35 how many zero? 3 0. And 35 divided in 35 one time. So 35 ones are 35, and here 1 0 2 0 3 0. So we'll write here 3 0. Okay, so 35 thousands is equal to 35,000. So you can solve this type of problem this way, both way. So now my humble request, all of you to solve exercise 3.1 and 3.2 in your notebook, and learn multiplication table, because in our next video, so big problem, to number 3 digits multiply. So all of you learn to multiplication table. Okay, thank you watching this video, and take care.